मैं तो इस वक्त पिनटक्स डालने की रेस में लगी हुई हूँ जब तक मैं ये पिनटक्स डालती हूँ आप जाइए और ट्राउज़र कटिंग का ट्यूटोरियल देखिए अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर आज मैं आपको ट्राउजर के बॉटम की डिज़ाइनिंग सिखा रही हूँ इसके लिए मैंने ट्राउज़र जो फोर पीसीज में कट होता है अपनी टोटल लेंथ से सात इंच कम कट किया है फ्रंट और बैक के पीसीस को ज्वाइन कर लिया है साइड की फिटिंग से और तकरीबन पौन इंच चौड़ी बुकरम की पट्टी इसके बॉटम पर लगाई है इसके बाद मैंने चार इंच लंबी पट्टी ली है और चौड़ाई इसके बॉटम के हिसाब से इससे पहले मैंने सेंटर से फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद इसके नीचे की तरफ हाफ हाफ इंच पे दो लाइन से ड्रॉ की हैं इसके बाद साढ़े छः इंच लंबी एक मज़ीद कपड़े की पट्टी ली है और इसके बैक के ऊपर पहले इस तरह से ट्राइंगल फोल्ड किया और स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और स्केल की चौड़ाई की मदद से इस पर लाइन्स ड्रा कर दी हैं और फिर दूसरी तरफ ट्राइंगल फोल्ड करके दूसरी तरफ से लाइन्स ड्रॉ करके बॉक्सेस बना दिए हैं अच्छा जनाब ये जो दो पट्टियाँ हैं ना चार इंच चौड़ी और साढ़े छः इंच चौड़ी यानी लेंथ में जो लंबी हैं इसके ऊपर मैंने पतली वाली फ्यूजिंग पेस्ट कर दी है और ये लेस लगेगी तो ये जनाब हो गई है सारी डिटेल्स अब जो मेरे पास ये पट्टियाँ हैं इसके ऊपर मैंने जो हाफ हाफ इंच के गैप से पहले लाइन स्ट्रॉ की थी सेंटर मेंटेन किया था इसके ऊपर मैंने पिनटक्स को ऐड करना है पिनटक्स इतने करीब से करनी पड़ती हैं कि देखें शायद आज मैंने कैमरा इसी जगह नहीं रखा हुआ था थोड़ी थोड़ी सी साइड से आपको वीडियो पे बॉक्स नज़र आएगा क्योंकि मेरा फेस उसमें दिख रहा था जनाब पहली प्लेट डाल दी है पिनटक फिर दूसरी पिनटक इस तरीके से डालेंगे और जब सारी पिनटक्स ऐड हो जाएंगी तो इसे मैं आयरन करके आपको दिखा देती हूँ बुक लगाने का यही फ़ायदा होता है के नीट लिए बन जाती हैं देखा आपने एक तरफ सेंटर से एक तरफ तीन तीन पिंटक्स ऐड हो चुकी हैं अब यहाँ पे आगे हम वहीं पे जहाँ पे मैं पिंटक्स डालने की रेस में लगी हुई थी <laughs> तो जनाब यहाँ से मुझे ज्वाइन करें दोबारा से और यहाँ पे पहले एक तरफ को तिरछी तिरछी और जब दूसरी तरफ जाएंगे तो एक दो पहले थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लगेंगी मुड़ना तो जो निशान लगाए हुए हैं उससे पहले बुकरम की तरफ से फ़ोल्ड कर लें और दूसरी तरफ जब क्रीज़ आ जाती है तो इस तरफ से अच्छा यहाँ पे एक चीज़ अब यहाँ याद रखनी है कि जो आप यहाँ पे पिनटक्स दूसरी साइड पे स्टिच करेंगे उसकी डायरेक्शन हमेशा एक साइड पे रहेगी क्योंकि पहले पिनटक्स की सिलाई इसमें दब के जाएगी सिलाई की सूरत में तभी खूबसूरती आएगी अगर आपने इस चीज़ को फॉलो न किया तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी हो सकती है तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ ये देखिए इस तरीके से हाँ अब यहाँ पे यह ख़त्म हुई है ना तो दूसरी जहाँ से शुरू हुई है वहीं से शुरू करनी है बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपकी बहुत ही नफीस पिनटैक्स इसमें ऐड हो जाएंगी पिनटैक्स ऐड करने का मेथड बहुत दफ़ा मैं सिखा चुकी हूँ बस ये एक बॉक्स बना रही थी तो मैं देखा आपको दिखा दूँ यहाँ पे देखिए ऐड हो चुकी हैं अब देखिए बढ़ाता छुड़ाता हो जा हो जाता है ये अब मुझे ये ये डिज़ाइन चाहिए जो मैं आपको लाइन के अंदर अंदर दिखा रही हूँ तिरछापन होता है ना तो कहीं से बड़ा कहीं से कम हो ही जाता है तो अब इसके बाहर बाहर हाफ इंच का मार्जिन सिलाई का छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कर लूँगी कट क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न शो करना है बाकी सारा स्टिचिंग में चला जाएगा या कटिंग में आ जाएगा तो जनाब ये कट हो गया और इसी के बराबर की लंबाई और चौड़ाई की एक्स्ट्रा कपड़े की भी कटिंग कर दी है नीचे से तो सिलाई होगी लेकिन ऊपर वाला हिस्सा सिलाई के मार्जिन के हिसाब से बैक की तरफ फोल्ड होगा क्योंकि कपड़े की सीधी साइड से सीधी साइड से मैच होती है तो जनाब यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले हम बॉटम तैयार करेंगे अब बॉटम तैयार करने के लिए कपड़ा पलट के पीछे नहीं ले जाऊंगी जिस तरह चौक की पट्टी के ऊपर एक बूट के गैप से नहीं सॉरी लप की सिलाई लगाते हैं ना वैसे इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी ताकि मुझे पलटना आसान हो जाए क्योंकि एक तरफ़ सिलाई लगा के दोबारा से सिलाई लगाने से बेहतर है पहले इसके ऊपर लप की सिलाई लगा ली जाए तो जितना मार्जिन आपने शो करना है वो भी विजिबल हो जाएगा और इजीली ये बैक के ऊपर फोल्ड भी हो जाएगी यहाँ पे आप लेस अटैच करना चाहें तो शौक से ऐड कीजिए पाइपिंग ऐड करना चाहें तो शौक से ऐड कीजिए ये आपकी चॉइस है हाँ ये हो गई एक तरफ की सिलाई इसको मैंने देखे हैं बैक की तरफ प्रेस कर लिया है और जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था कपड़े का बुकरम का नहीं कपड़े का वो मैंने वो जो निशान लगाया हुआ है ना हाफ इंच का उसके मुताबिक अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया जो मैंने आपको पहले भी बताया था तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कंप्लीट अब यहाँ पे बारी आती है इसका सेंटर मेंटेन करने के बाद इस पर लेस दिखाने की शुरू में मैंने लेस दूसरी दिखाई थी वो पता नहीं गुम हो गई है मैंने ये पैंचे के हिसाब से एक गल्जी ली थी इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया तो यहाँ पे ये ऊपर से लगने वाली है इसको भी इस तरीके से मैनेज करके जितना मुझे डिज़ाइन शो करना है उस डिज़ाइन के ऊपर रख कर इसके ऊपर लगा लूँगी सिलाई और साइड से वो जितना छुट रहा है ना वो कटिंग में आएगा ठीक है तो इस तरीके से अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं आपको जगह जगह मेरे कभी चश्मा नज़र आ रहा होगा कभी मेरे बाल नज़र आ रहे होंगे आज मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है मैंने किस एंगल पे कैमरा रख के वीडियो बनाने की कोशिश की है तो ये देख लें और ये सिलाई का मार्जन सारा बैक की तरफ चला जाएगा ऐसे और अब इसके ऊपर हमने वो वाली पट्टी अटैच करनी है जिसके ऊपर तीन पिन टक्स ऐड किए थे लेकिन कौन सा वाला हिस्सा पहले मैंने इसका सेंटर किया फिर मुझे याद आया ये तो लंबी पट्टी है तो इसको क्यों सेंटर कर रही हूँ मैं एक जितनी तो पट्टी बनी हुई है तो जनाब यहाँ पिन पिंटक जहाँ जिस डायरेक्शन में तीन ऐड हुए हैं ना उस वाली साइड से इसे अटैच करना है सेंटर से जिस तरफ तीन पिन पिंटक साइड हुए हैं वो वाला हिस्सा लेस के साथ जॉइंट होगा अच्छा ये देखने में डिज़ाइन बहुत कॉमन सा है लेकिन मेजरमेंट अगर पता हो ना तो हम ईजीली ऐसी चीज़ें बना सकते हैं ये मुझसे किसने रिक्वेस्ट भी की है मेरे फ़ेसबुक ग्रुप के अंदर तो उन्होंने तो मुझे वाइट कलर का भेजा था मैंने ब्लैक कलर का बनाना था मैंने कहा चलो वो भी दिखा दूँगी और ये भी उसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूँगी तो देख लीजिए इस तरीके से सिलाई करके इस तरह दाएँ और बाएँ से मोड़ के प्रेस कर लेना है अच्छा ये नीचे वाला हिस्सा तो इसके साथ तुरपाई में मैं अंदर एडजस्ट हो जाएगा ऊपर अनेसू को मैंने क्या किया है सिलाई के हमारे ऊपर की तरफ करके लेस के ऊपर एक दफ़ा और सिलाई लगा दी है ताकि नीचे की तरफ ना ढलके अब जो ट्रायंगल्स बनाने हैं उसके लिए दो इंच लंबी और पाँचों के हिसाब से जितनी चौड़ी पट्टी चाहिए वो लिया और इसे इस तरीके से फोल्ड किया है दोनों पाँचों के एक साथ कट कर रही थी तो मैंने स्टेपल कर लिया कि बकरम खिसक जाती है ना घूम जाती है ऊपर से एक पौन इंच का मार्क लगाने के बाद मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और इसके बाद सेंटर से बाहर की तरफ डेढ़ डेढ़ इंच का मार्क लगा दिया है इस तरीके से ठीक है इसके बाद इस पट्टी के नीचे की तरफ एक इंच लंबाई का मार्क लगाया है इस तरीके से क्योंकि नीचे थोड़ा इरेगुलर था ना वहाँ पे भी मैंने जो एक्स्ट्रा है ना बुकरम उस पर मैंने बुक स्टेपल कर दिया है अब यहाँ पे देखिएगा कि सेंटर से पहले आ निशान पौन इंच की दूरी पे और फिर बाकी डेढ़ डेढ़ इंच की दूरी पे लगा देंगे अब ये जो मार्क्स लगे हैं ऐसे क्रिस क्रॉस मिला देना है ट्राइंगल्स बन जाएंगे आपके सामने ही मैं कर देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए किस तरीके से वरना ट्राइंगल दो तीन दफ़ा तो सिखा चुकी हूँ मैं ये मैं कपड़े के ऊपर रख के लगी हुई थी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था मुझे लेकिन फिर भी मैं लगी रही ये हाल है मेरा अच्छा यहाँ पे मैंने पेन इसलिए इस्तेमाल किया है कि मेरा काले कलर का कपड़ा था आपने अगर वाइट कलर का कपड़ा या कुछ लाइट कलर इस्तेमाल करना ना हमेशा पेंसिल यूज़ कीजिएगा अब इन ट्रायंगल्स को कट कर लेंगे इस तरीके से इस तरह बड़े फ़ाइन हो जाते हैं मैंने स्टेपल किया ना देखें ज़रा नहीं खिसक रही और बहुत अच्छे बन गए थे ट्राइंगल्स ऐसे ही आप सर्कुलर वे में भी बना लिया कीजिए तो जिन्हें आखिर में मैंने स्ट्रेट इसलिए रहने दिया है कि साइड की फ़िटिंग में आएगा यहाँ पे पेंस अभी से अभी निकाल लेनी है स्ट्रेट पट्टियाँ हैं इन्हें सेंटर से अलहदा कर लेना है क्योंकि दो पाइचों का है और इसे मैं पेस्ट कर लूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर और फैब्रिक के साथ की जुड़ाई का ही सेम फैब्रिक लिया और ऊपर सिलाई लगाई है ताकि खिसके नहीं अब इसके ऊपर ट्राइंगल के साथ साथ सिलाई लगानी अब यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा दिख रही थी ये तो हाल और यहाँ पर ज़लजिला इसलिए आया कि कैमरा मुझसे हिल गया था अब इस तरह से इसकी सिलाई करते चले जाना है अब इसकी कटिंग बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़ने के बाद तिरछी कटिंग कर लेनी है और कोने ऊपर से कट कर लेना है इस तरह से तिरछा और इसके बाद इसे यूँ पलट लेना है अब पलटने के बाद ये पट्टी इस तरह से आई है अब हमारे पास ये जो पहले ही बना हुआ था इसके सेंटर में बुकरम वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आ जाना चाहिए और जितना हमारे पास ये ट्रायंगल्स का मार्जिन है इसके ऊपर ऊपर वो सारा सिलाई के अंदर जाएगा हमें सिर्फ ट्राइंगल्स विजिबल होने हैं तो इसको पहले मैं स्ट्रेट स्टिच कर लूँगी और फिर इसे पेंट के बॉटम के साथ स्टिच कर लूँगी इस टाइम पे आके मुझे नहीं पता ये पड़ोसियों के डोगी को क्या शायद खाना डालते हैं तो वो फूकना शुरू हो जाता है मुझे इसकी समझ में नहीं आती अपना म्यूज़िक उसका चालू रहता है एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे कट कर लेंगे और इसको आप पेंट के बॉटम के साथ स्टिच कर लेंगे यहीं पे अब ख़त्म नहीं होती है अब यहाँ पे बुकर लगाने का फ़ायदा ये हुआ था कि ईजीली बहुत सफाई से ये काम हो जाएगा लेकिन मेन चीज तो इसके बॉटम की फोल्डिंग है वो नहीं देखी आपने तो फिर इस पूरी वीडियो का कोई फायदा ही नहीं है वो भी मैं आपको ट्रिक बता के ही जाऊँगी क्योंकि जब मैं अपने कपड़े सीती हूँ तो बहुत ही डिटेलिंग का ख्याल रखती हूँ क्योंकि मेरे कपड़े दस दस साल चलते भी तो है ना तो जितना अब ये हो गई है इसका मार्जिन ऊपर की तरफ करके मैं प्रेस करूंगी हाफ वुड के घर की सिलाई आप लगाना चाहें तो जरूर लगाइएगा अब देखिए अगर मैं इस तरीके से बैक पे तुरपाई पहले कर लूँ इस तरह साइड की सिलाई कर लूँ तो सारा मार्जिन तो दिख रहा है लेकिन अब मैं क्या करूँगी ये जो पीछे एक्स्ट्रा मार्जिन है सिलाई का मार्जिन सारा ऊपर की तरफ करके और यहाँ पे सिलाई लगाती जाऊँगी ये वाले मार्जिन अंदर की तरफ जैसे फोल्डेड थे वैसे फ़ोल्डेड रहेंगे लेस से लेस ज्वाइन होगी ट्राइंगल से ट्राइंगल ज्वाइन होंगे और जब मैंने यहाँ पर सिलाई स्टार्ट की थोड़ा मोटा हो गया था कोई दस दफ़ा धागा टूटा बहरहाल मैंने ये सिलाई लगा दी है अब आपके सामने पंचर सीधा करती हूँ और पैंचा सीधा करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मार्जिन सारा अंदर की तरफ जाएगा और फिर जब मार्जिन अंदर की तरफ जाएगा उसे फिर मैं आपको उल्टा करके दिखाऊंगी और उसे मैं आपको तुरपाई भी करके दिखा दूंगी ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा स्टिफ हो गया लेकिन ठीक है पैंचे के बॉटम स्टिफ ही होने चाहिए पैंचे के बॉटम कह रही हूँ ट्राउजर के बॉटम स्टिफ ही होने चाहिए अब देखिए उल्टा करने के बाद इसे तुरपाई कर लूँगी और तुरपाई करके अभी मैं आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से लगता है ये देखिए जनाब ये है लुक इस ट्राउजर का अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक माय वीडियोस सब्सक्राइब टू तो माय चैनल हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स मजीद आइडियाज के साथ हाजिर होती रहा करूंगी ये देखिए अंदर से इसकी नीटनेस नहीं इसके रॉयज़ नजर आएंगे तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाफे